फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं द्विजा। बच्चों की हड्डियाँ अच्छी होना, आपके बाल अच्छे होना, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बट आपको पता है, मेरा बच्चा तो सब्जी खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो रागी खाता ही नहीं है। चेंज द फॉर्म। अभी हम लोग जानेंगे रागी कुकीज़ या नाचनी से बने हुए होममेड हैंडमेड बिस्किट्स। शायद मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम आपको दोनों ही तरीके बताएंगे कि आप माइक्रोवेव में ये चीज़ कैसे बना सकते हो और आप लोग पैन में ये चीज़ कैसे बना सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये चीज़ बहुत कमाल का ट्रैवल फूड है। आप इसको वीकेंड पे बना के रख सकते हो या 10-15 दिन बहुत आराम से टिकता है, अगर बच्चे ने फटाफट खा के ख़त्म नहीं किया तो। सो आपको पर्टिकुलरली इस रेसिपी के लिए लगेगा रागी फ्लार या रागी का आटा। प्रीफरेबली यूज़ करो माल्टेड रागी फ्लार। ये क्या है, नाचनी सत्व, मतलब रागी को हम लोग ओवरनाइट सोक करते हैं, फिर उसको गीले कपड़े में बांध के उसको स्प्राउट्स लेके आते हैं, फिर हम लोग उसको सन में सुखाते हैं, फिर हम लोग उसको रोस्ट करते हैं और फिर इसका पाउडर बनता है। इसका कैल्शियम अवेलेबिलिटी, आयरन अवेलेबिलिटी, उसके साथ इसका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है। और माल्टेड रागी या माल्टेड नाचनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। उसके साथ आप ये सेम कुकीज़ मल्टीग्रेन मिक्स के साथ भी बना सकते हो। मल्टीग्रेन मिक्स में बेसिकली सीरियल और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये कुकीज़ बनेंगे वाइटिश क्रीमिश कलर के और ये कुकीज़ बनेंगे ब्राउन कलर के। बट आप लोग ये दोनों ही फ्लेवर में सेम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करके, बट बेस फ्लावर चेंज करके इन्ग्रीडियंट्स बना सकते हो। हम लोग हर मंडे और थर्सडे आपके लिए एक नया रेसिपी लेके आ रहे हैं जो आपके बच्चों के लिए आइडियली डिज़ाइन है, बट इसमें से बहुत सारे रेसिपीज बड़े भी बहुत आराम से ले सकते हो। चलिए आज का रेसिपी देखते हैं। रेसिपी के ऑल ऑफ यू, हम लोग हर रेसिपी के वीडियो में आपके एक सवाल का जवाब देते हैं, तो आज हम लोग आपके एक सवाल का जवाब देंगे कि रागी या नाचनी बच्चों के डाइट में कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, और अगर हम लोगों ने उसको ओवर यूज़ कर लिया तो क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए जानते हैं रागी कुकीज़ बनाते कैसे। रागी कुकीज़ देखो तो कितना प्यारा लगता है, डोंट वरी, आप माइक्रोवेव है तो भी ये बना पाओगे, माइक्रोवेव नहीं है तो भी बना पाओगे, विल ट्रेन यू फॉर बोथ। इसके लिए आपको लगेगा रागी का आटा। यू कैन यूज़ द्विजा माल्टेड रागी फ्लार, वो आप यूज़ कर सकते हो। जैगरी पाउडर लगेगा, वीट का आटा लगेगा, उसके साथ आप लोग लेगा थोड़ा सा कोको पाउडर, आपको दूध लगेगा, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप आलमंड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, घी लगेगा और बेकिंग पाउडर लगेगा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आइडियली हम लोग बहुत छोटे बच्चों के लिए कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। सो अगर आपका बच्चा एक साल के अंदर है तो क्वांटिटी और भी कम लेना। ये सभी चीज़ें आप लोग मिक्स कर लो। ये कुकीज़ टीदिंग के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं। सो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लो। दूध आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डालो ताकि वो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाए। आपको जिस कंसिस्टेंसी का डो बनाना है, वो कंसिस्टेंसी का डो जब तक बनता है तब तक आपको ध्यान में रखना है कि आप लोग थोड़ा 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 करके अच्छे से दूध ऐड करते जाओ। ये देखो कितना टेस्टी और प्रॉपरली हम लोग का डो बना। फिर आप लोग उसको हाथ में अच्छे से स्मैश करके छोटे छोटे पोर्शन में उसके बॉल्स बना दो। बॉल बना के तैयार हो गए। फिर अब हम लोग इन चीज़ों को गार्निश करें। सही, गार्निश करना नहीं करना इट्स ऑलवेज ए इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड इंडिपेंडेंट चॉइस जो पेरेंट्स खुद ले सकते हैं। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों को गार्निश की हुई चीज़ें अच्छी लगती है, खाने में अच्छा लगता है। सी, बच्चे को कोई चीज़ अच्छा दिखेगा तो बच्चा उसको अच्छे से खाएगा। सी, माइक्रोवेव में आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को यूज़ करोगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो भी डोंट वरी, आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये हम लोगों ने इडली का वेसल लिया हुआ है, सो अंदर के कंटेनर में बटर पेपर लगा के उसके ऊपर हम लोग आपके कुकीज़ रख रहे हैं एंड वी विल बी एबल टू बेक इट इन अ प्रॉपर प्री हीटेड पैन। सो हमने उसको प्री हीट कर दिया, इडली का कंटेनर उसमें रख दिया, उसको ऊपर से ढक्कन दे दिया, एंड यू हैव टू कुक इट फॉर 15 मिनट्स। याद रखो ऑल ऑफ यू, ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से यमी यमी से कुकीज तैयार है आपके बच्चों के लिए। डू ट्राई। कैसा लगा ये? जितना क्रिस्पी और कुरकुला लग रहा है उतना ही कमाल का टेस्ट है इसका। ये बहुत कमाल का रेसिपी है ट्रैवलिंग, टीदिंग, इन सभी चीज़ों के लिए। अब चलिए जानते हैं रागी के फायदे क्या क्या है। रागी इज़ अ कमाल का मिलेट, फिंगर मिलेट बोलते हैं हम लोग इसको। मिलेट का अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, बहुत सारा लोगों को बता रहा है कि इसको यूज़ करो।
अभी रिसेंटली मिले इट्स अ लिटिल कॉस्टली बिकॉज ये ड्राइव की तरह चल रहा है, बट धीरे धीरे इट विल कम इन टू नॉर्मल सिनेरियो. इसीलिए रागी या नाचनी बच्चों के लिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बच्चे बड़े दोनों के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर बोन्स, हड्डियों की ताकत बढ़ाता है. दूसरा, वेरी गुड प्रोटीन. तीसरा, ग्लूटेन फ्री डाइट. किसी को व्हीट सूट नहीं होता तो उनके लिए बहुत कमाल का रोल प्ले करता है. चौथा, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा. पांचवा, किसी को अच्छा हेयर ग्रोथ चाहिए, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, हेयर का वॉल्यूम बढ़ाना है, स्काल्प के हेल्थ के लिए रागी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन. आयरन बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा, मतलब रागी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. सिक्स, रागी इज़ अ ऑल सीजन फूड. आप किसी भी सीजन में रागी खा सकते हो. बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं रागी इज अ मिलेट, क्या हम लोग गर्मी में खा सकते हैं? हाँ जी, उसको पका के उसमें बटर मिल्क डाल के, आंबिल करके एक रेसिपी होता है महाराष्ट्र लोगों में, आप वो चीज़ बच्चों को दे सकते हो. सिर्फ एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, बच्चा जब ये रागी बहुत अच्छे से खाता है, बच्चे को सिर्फ रागी देने लग जाते हैं. वो मेरे बच्चे को मीठा पोरेज बहुत पसंद है, सुबह में रागी का खीर, दोपहर में रागी का खीर, शाम को रागी का खीर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट वीक के एक रेसिपी में आप लोगों को रागी के दूध में बनाया हुआ पोरेज भी सिखाया है. प्लीज़, रागी के बहुत सारे फ़ायदे हैं. रागी का दूध निकाल सकते हो, रागी को माल्टेड रागी बना सकते हो, पैनकेक बना सकते हो, वैफल बना सकते हो. मेरे घर में ककड़ी की इसके रागी का आटा यूज़ करके थेपला बनता है. हम लोग जो दलिया बनाते हैं, माई दूजा का भी आप लोग दलिया यूज़ कर सकते हो, उसमें हम लोग रागी का आटा डालते हैं. मैं मेरे बच्चों को जब भी बहुत भूख लगती है तभी मैं ब्राउन खीर उनको बना के देती हूँ, वो रागी के आटे की बनती है. तो रागी के आटे का आप मीठा चीज़ बना सकते हो, आप उपमा स्टाइल नॉन मीठा चीज़ बना सकते हो, आप बच्चों के लिए वैफल बना सकते हो, लड्डू बना सकते हो. सो प्लीज़, जब भी हम कोई हेल्दी चीज़ बच्चों को देना चाहते हैं, सुबह दोपहर शाम वो चीज़ नहीं दे सकते. सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, बच्चा खाना छोड़ देगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम लोग कोई हेल्दी सच सी प्रोटीन बहुत हेल्दी है या पनीर बहुत हेल्दी है, दैट डजंट मीन मैं दूसरी चीज़ें खाऊंगी नहीं. एग्जैक्टली सेम चीज़ वैसे ही, अगर आपके डाइट में रागी ज़्यादा है तो कई बार आपको दिखाई देगा कि पॉटी का कलर भी चेंज हो रहा है, बट ये सभी चीज़ें एब्सोल्युटली नॉर्मल है. सो प्लीज़, बच्चों के डाइट में रागी या फिंगर मिलेट दो, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. सो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा, बच्चों के लिए भी अच्छा, पूरे फैमिली के लिए यूज़ करो. अब मैं आपको कुछ कुछ रेसिपीज़ बता रही हूँ जो आप लोग रागी की बना सकते हो. एक रेसिपी मैंने आपको बता दिया, ककड़ी को किसो, उसमें रागी का आटा, थोड़ा सा ओट्स का आटा, थोड़ा सा गेहूँ का आटा, थोड़ा सा चावल का आटा डालो, तिल सीड को स्प्रिंकल करो, अच्छे से मिक्स करो और उसके पतले पतले थेपले बना दो, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, घर में ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो. आप लोग रागी का इसको स्प्राउट्स करके या आप लोग ऐसे ही रागी को थोड़ा सा रोस्ट करके आप लोग उसको खिचड़ी के तौर पे चावल दाल, ये रोस्टेड रागी, उसको अदरक लहसुन का तड़का और बहुत सारे वेजिटेबल डाल के रागी राइस दाल का मिक्स आप लोग खिचड़ी भी बना सकते हो, जो बहुत टेस्टी लगता है. रागी का आटा घी में रोस्ट करके उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के आप रागी के लड्डू बना सकते हो. रागी के कुकीज़, टीथिंग सॉल्यूशंस, आप लोगों ने अभी अभी रेसिपी देखा. और बाकी रेसिपीज़ के लिए खुद का दिमाग खुजाओ और हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आपने कौन सा रेसिपी ट्राई किया और आपको उसका टेस्ट कैसा लगा. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. बच्चों का टेस्ट बर्ड हम ही लोग डेवलप करते हैं, तो डू वर्क ऑन इट. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय.